अभी मैं अमृतसर की ना एक ऐसी गली में खड़ा हूँ भाई, गली बंद है, पर बंद गली में एक ऐसा कमाल का ढाबा है जिसको पूरे अमृतसर से लोग ढूंढते ढूंढते आ जाते हैं। 120 साल पुराना ढाबा है और आज भी भाई यहाँ पे ना 400 रुपए के अंदर आप लंच और डिनर कर सकते हो, वो भी भर पेट अमृतसर शहर के अंदर। क्या चीज़ है वो दिखाता हूँ। सत श्रीकाल सर, क्या हाल है जी? सत श्रीकाल जी, सब जी आए नमस्ते। तो सर 50 में खाना खिला रहे हो जी, आज की महंगाई में भी? जी जी, आओ आपको दिखाएं हम कैसे खाना खिलाते हैं आपको। क्या बात है सर। जी जी जरूर। ढाबा के अंदर एंटर करते ही ना ये देख बरा रसोई के अंदर, और दाल एकदम बढ़िया बन रही है, और से कम 50-60 किलो दाल बन जाती है जी। 50-60 किलो दाल, एक बार में। वाह जी वाह। और ये सर 50 में खिलाते हो आप जी? 50 रुपए। एक बार दिखाना सर दाल, ये देखो कितनी मुलायम है। और ये पीछे मेरे को नजर आ रही है सर, करछी भी बहुत पुरानी लग रही है। जी जी जी, हमारे ये पापा के वेले की है जी। अच्छा, साढ़े पापे दे वेले देख रहा है, और पापे दे वेले दी कड़छी है। क्या बात है, तो आपने अभी भी सर अपनी विरासत संभाल के रखी है। हाँ जी, हाँ जी। और भाई दाल चेक कर लो, इतनी कमाल की है ना, यहीं पे मैं तो बस जैसे होता ना चुंबक की तरह खड़ गया हूँ, और मेरे को पूरा दाल ने अपने साथ चिपकाया कि भाई मत जा। पर आगे सब्जी और दिखाते सर। दिखाओ और क्या क्या। और ये सामने ही भाई साहब ये दाल देख से आती है यहाँ पर, और पाजी लगे हुए हैं। जल्दी पाजी, क्या हाल चाल है जी? आपके फादर साहब है तो ये पाजी 5th generation है यहाँ पे जी। और सामने भाई ये सब्जियां लगी हुई है सारी, ये बहुत ही बढ़िया। ये आलू मटर है, ओए होए एकदम यार घर जैसे। और ये तरी वाले आलू मटर देखिए, ओए होए अमृतसर दे पाजी छोले तक कमाल ही होते। हाँ जी, तो अमृतसर में छोलों की कोई भी मुकाबला नहीं है। कड़ी पकौड़ा ये आ गया जी, कड़ी और पकौड़ा बहुत ही शानदार। और भाई साहब ये रही सूखी सब्जी, गोभी और आलू, ये थोड़े रस्मी से रखते हो आप ना? रस्मी से रखते हैं, थोड़े थोड़े ग्रेवी वाले। और ये क्या चीज़ है? पनीर की ग्रेवी है, कढ़ाई पनीर, शाही पनीर की ग्रेवी है, बहुत ही शानदार है। और सर तंदूर कहाँ है अपना? तंदूर हमारा ये देखिए, अरे वाह, ये हमारे बच्चे लगे हुए हैं, बहुत ही बढ़िया। और आटे की रोटी देते हैं, प्योर आटे की रोटी खिलाते हैं, बहुत शानदार है। सामने पेड़े रखे हुए हैं, लच्छे पराठे, ये तंदूरी रोटी का पेड़ा, ये हमारा लच्छे, लच्छे का अपना अपना ही तरीका है। क्या बात है यार सर, साथ के साथ ही लच्छा लगा के पूरा लाइव बता रहे हैं कैसे बनता है। सर आपको इस ढाबे पे कितने साल हो चुके हैं? मेरे को 45 साल हो गए ढाबे पे। सर इतनी तो आपकी एज नहीं लग रही, 45 साल? मेरी 56 साल उम्र है। 56 साल जी, तो मतलब 11 साल की उम्र से काम कर रहे हो? काम कर रहे हो। क्या बात है। तो ये देख कर कितना सुंदर पराठा रोल कर दिया। और ये कस्तूरी मेथी, और मेरे को सर एक चीज पसंद आई, आटे का प्योर है ना जी, आटा। और ये एक स्पेशल थाली है जी, उसमें अरे हमारे दो लच्छा पराठा देसी घी के हैं, और दाल मखनी है, और चना मसाला है, और कढ़ाई पनीर है, सलाद प्लस साथ में देते हैं हम। और सर एक चीज आप भूल रहे हो जी, उसमें अनलिमिटेड प्यार भी है। प्यार भी वो तो है ही हमारा सर, सभी सौदों में हमारा प्यार है। क्या बात। तो अभी सुभाष अंकल हमारे लगा रहे हैं जी बाबे के ढाबे के मशहूर कढ़ाई पनीर लगा रहे हो सर। कढ़ाई पनीर लगा, वाह जी वाह। और बर्तन चेक करो सर, सोने दा नहीं, तांबे दा जी। चमक पर सोने वर गई रहा बिल्कुल, और बढ़िया पॉलिश की हुई है। ये आ गई देसी घी, ये शिमला मिर्च कटी, शिमला मिर्च। और भाई दो दो कढ़ाइयां साथ चल रही है, उधर भाजी लगे हुए हैं, और यहाँ पे अंकल जी बना के दे रहे हैं वो कढ़ाई पनीर। पाजी आप क्या बना रहे हो? आलू गोभी फ्राई। तो भाई ये देखो कोऑर्डिनेशन, दो जनरेशन्स का तालमेल है, दो जनरेशन्स एक साथ काम कर रही है। उधर पाजी दाल को लगे हुए हैं, और वर्क फ्लो है ना जो पूरा ऐसा ही चलता है यहाँ पे। अब ये शिमला मिर्च के बीच में आ गए जी प्याज, और उधर भी लगातार तड़का चल रहा है भाई साहब। और उधर चेक करो भाई मिक्स वेज पे पूरा माहौल बना हुआ है। और अंकल जी ढाबा आपने वैसे ही रखा हुआ है जैसे था, क्या हमने चेंज करवाया इसमें? बहुत थोड़ा बहुत बस समय के मुताबिक चेंज किया है हमने। अच्छा, और ये रंगत चेक करो भाई कढ़ाई पनीर की, क्या कमाल की रंगत आ गई है भाई। अब ये चेक करो, बातों ही बातों में ना अंकल जी ने फटाफट से पनीर डाल दिया, कहते हैं बातें करी जा रहे हो, काम नहीं कर रहे दे रहे। और ये देखो सामने पनीर हो गया जी तैयार। तो सुभाष अंकल आप वो थाली लगा के दे रहे हो अपनी जो फेमस है ना, जो 50 रुपए में आप भर पेट खा सकते हैं। क्या बात है जी, दाल फ्राई की हुई, बहुत ही बढ़िया तड़का, कमाल है जी। और मेरे ख्याल से अंकल अमृतसर में और कहीं ऐसे भरपेट खाना नहीं खिला रहा मिलेगा। और साथ में आ गई जी तंदूरी रोटियां चार, अभी ऐसी भरी थाली यार आप खा सकते हो यहाँ पे आके। और आपको बढ़िया स्वाद लेना है तो जो हम आगे थाली दिखाने वाले हैं वो आप खा सकते हो, बेस्ट है हमारे। और एक और चीज ना, इन सब्जियों में से कोई भी आप सब्जी ले सकते हो। आप कितने की देते हो सब्जी प्लेन? 20 रुपए में, 20 रुपए में सब्जी दे देते हैं जी। और 2022 के अंदर बाबे के ढाबे पे नामुमकिन है, नामुमकिन। और आज भी मिल रहा है, आज भी मिल रहा है यार। ये थाली देखो आप, बढ़िया गोल थाली है, इसके अंदर एक में पनीर आ गया, और दूसरी टोरी जो भर रहे हैं अंकल जी वो भर रहे हैं दाल मखनी। ओए होए, और ये अंकल अपनी देसी घी की दाल है ना जी, वाह। और ये यार थाली की तीसरी आइटम जो है जी चना मसाला, दाल के अंदर मक्खन, वाह जी वाह। अरे भाई साहब भाजी का तो मतलब जो स्पीड है ना भाई तेज है, और लगातार मतलब मेरे को सिर्फ आग दिख रही है। आप कमेंट करना आपको दिख रहा है अंदर छोले? अरे दिख गए भाई, दिख गए अंदर है छोले, और छोले बन गए बहुत कमाल।
अब ये आएंगे प्लेट में और फिर हमारे पेट में। ओए भाई भाई वैसी है सर, ये देखो सामने पाजी खड़े हैं, उधर गली में रास्ता है वो एकदम पतला सा रास्ता है, ज्यादा तगड़े फूडी पीछे से ही आए। थोड़ा सा धनिया चॉप किया हुआ। वाह अंकल जी, आप संजीव कपूर को भी देखते हैं लगता है ना। ओए ये चेक करो भाई, एक बार अंकल जी उठा के दिखाइएगा लच्छे पराठे, ये चेक करो। ओए होए ये जी अमृतसर का प्यार। अच्छा भाई प्यार रह गया था, थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा प्यार रह गया। अब ये चेक करो यार, फाइनल है, थाली तैयार है जी। हाँ जी, ये हमारी थाली है। तो भाई ये सामने थाली आ चुकी है, अब चेक करो, ये है दो बढ़िया फ्लेकी लच्छे पराठे, मतलब ना वो था ना माहौल, वो है ये पराठे। और साथ में इधर आओ, ये देखो ये कमाल के छोले, कमाल धमाल वाली दाल, और ये जो ऊपर है ना ये अमृतसर का प्यार है, ये आपको हर ढाबे हर जगह मिलेगा, घरों में भी मिलेगा। बचपन में पहले सिर पे लगाया जाता है बच्चों के, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके परोठे पे लगाया जाता है, लगाया देसी घी जाता ही हर जगह। अब ये है जी कढ़ाई पनीर, एकदम बढ़िया देसी ढाबा स्टाइल कढ़ाई पनीर है। ये पूरी थाली है, सॉरी शक्तिमान, अब ये पूरी थाली है 200 रुपए की, पर आपको लगे कि भाई जेब पे भारी है तो आप यहाँ पे आगे 50 के अंदर भी ना भर पेट खाना खा सकते हो, मना ही कोई नहीं है। अंकल जी ने कहा ग्राहक बराबर है, चाहे 200 दे चाहे 50 दे, स्वाद हम पूरा देंगे उसको, तो आओ हम पूरा पूरा स्वाद लेते हैं ये लच्छा पराठा। पास से देखो, ऐसे नहीं, भूख लगेगी, पास आओ और पास आओ और पास आओ। ओए ये है मजा, 120 साल पुराना ढाबा है, पीछे अंकल जी के फादर की फोटो लगी हुई है जिन्होंने काफ़ी मेहनत करके इस ढाबे में नाम बनाया। अब ये है जी दाल, ओए पास और पास, ये देखो पता नहीं क्या चक्कर है, ऐसा बढ़िया रिच फूड देखो ना, गरीब आदमी में अमीर फील करने लगता है, रिच फूड। अब ये देखो तो यार 5 घंटे मिनिमम देख जलती है, और इसमें जो टेक्सचर है ना पास हो, आपको दिखाता हूँ पास हो। अब जो लोग बाहर से देख रहे हैं ना वो देखते हैं कि भाई इतना घी डाल दिया घी का स्वाद आएगा, पर नहीं भाई, जो दाल का स्मोकी टेक्सचर है ना वो बरकर आ रहा है, देख का कमाल है, और अंकल जी के हाथों का स्वाद का कमाल है, जो 40 साल से बना रहे हैं दाल बहुत ही कमाल है। और आगे आगे छोले, ये जी छोले, अब जो कैमरा के पीछे है ना बड़े तगड़े ब्लॉगर है पर आज कैमरा संभाल रहे हमारा, तो हम आगे स्वाद संभालते हैं। आ जाओ अमृतसर आ रहे हो ना रात रहने, यहाँ पे स्टे किए हुए हैं, खाने चाहे ना हो पैक करा के ले जाना, छोले छोड़ना मत पर यहाँ। अब आगे आ जाओ पनीर, ये राजी पनीर कढ़ाई पनीर है, बढ़िया मोटे मोटे ना एकदम, आजकल अमृतसर में चल रहा है ना रूह वाला पनीर, वैसा पनीर है, कॉटन जैसा पनीर, सॉफ्ट एकदम, यार वही वाली बात है, यहाँ पे आओगे निराश नहीं होगे। लोकेशन बड़ी आसान है, दरबार साहिब के बाहर, किसी भी ई रिक्शा में घुसना, उसको बोलना बाबे के ढाबे पे जाना है, आएगा छोड़ के जाएगा, आप आओ खाना खाओ, फुल माहौल वाला सीन है। अभी तक मेरे को हैरानी है कि भाई जब जब मैं अमृतसर आया मेरे को क्यों किसी ने नहीं बोला कि भाई इस ढाबे पे जाओ, काश पहले आया होता तो मैं हर विजिट पे यहाँ पे खाना खाता। तो अब आप मिस मत करना क्योंकि मैंने बता दिया, आप आ जाना खा जाना, कमाल की थाली है, दो दोस्त भी खा लोगे ना तब आगे पेट भरेगा। पाजी आपने बना ली वीडियो, तो पाजी की वीडियो के लिए भी उधर दिखा दो, वीडियो उन्होंने भी बना ली है, अब उनकी तो लाइक कैसे करोगे, ये वाली कर देना, मिलते हैं अगली वीडियो में।